जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ बनाया गया था, दोबारा वही फैसला जो है वो बहाल हो। तो खान साहब माशाल्लाह पुरअज़म है, वो जिस तरह से भी उन्होंने कहा कि मुझे जिस हालत में रखें मैं यहाँ पर हज़ार साल भी रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि खान साहब ने कहा कि मैं कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं इस मुल्क की खातिर हूँ, हमारी जंग तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, और अब ये हमें दहशतगर्द, क्योंकि सियासी मैदान में ये हार चुके हैं और अब हमें ये दहशतगर्द बनाकर ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, आर्टिकल 6 लगाए, क्योंकि ये हार चुके हैं पोलिटिकली, और ये अपनी चोरी डाका और इस मुल्क के अंदर आमरीत को कायम करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं ना अमेरिका की गुलामी कबूल करूंगा और ना मैं अपने किसी मौकफ से पीछे हटूंगा। शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह से लाहौर लेकर जाया गया है, खान साहब ने उसकी भी मजम्मत की है, क्योंकि खान साहब की तस्वीर जो है उस ऑर्डर के ऊपर जज साहब ने नहीं लगाई, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई थी, और शाह महमूद कुरैशी की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई तो उसकी तस्वीर थी, और फिर शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो लिंक के जरिए दोबारा सदा की तो आज वो दरख्वास्त उसकी खारिज हो गई है। तो एक तरफ खान साहब की सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वीडियो लिंक के जरिए पेश करते हैं, और जहां पर हम कहते हैं कि वीडियो लिंक के जरिए पेश करके इस्लामाबाद वाली 6 बेल जो हैं ये डिसाइड की जाए, वो नहीं की जाती, वहाँ कहा जाता है कि कानून अलग है, लेकिन जहाँ पर इन्होंने गिरफ्तारी डालनी हो 9 मई के केसेस के अंदर, तो वहाँ कहा जाता है कि जनाब आपको वीडियो लिंक के जरिए ही शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जिसने CCTV चुराई उसने 9 मई करवाई, हम इंडिपेंडेंट तहकीकात का मुतालबा करते हैं। थैंक यू।